अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बैक ट्रैकिंग सर्च. लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा, सी एस पी का एग्जाम्पल्स देखी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेराइटीज ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो हमारे पास टू टाइप्स की मेन डिविजन है एज फार एज वेरिएबल्स आर कंसर्न. एक तो होते हैं हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स, देन वी हैव कंटिन्यूस वेरिएबल्स. अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स में भी हमारे पास वो डिपेंड करता है डोमेन में. कभी डिस्क्रीट वेरिएबल्स का डोमेन फाइनाइट होता है, कभी इनफाइनाइट होता है. फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई नंबर ऑफ वेरिएबल्स अज्यूम करें एन, जिनकी डी वैल्यूज हैं, देन द नंबर ऑफ कंप्लीट असाइनमेंट्स इज बिग ओ ऑफ डी रेज़ टू पावर एन. जैसे कि आपके पास मैप कलरिंग का एक प्रॉब्लम आपने देखा था, एन क्वीन प्रॉब्लम्स आपने देखे. तो यहाँ आपके पास, आपको पता है कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम है, तो जो नंबर ऑफ कलर्स हैं वो आपके पास फाइनाइट होंगे. बिल्कुल उसी तरह जैसे एट क्वीन प्रॉब्लम है, तो नंबर ऑफ क्वीन्स आपके पास फाइनाइट है, या तो एट होंगी. अगर फोर क्वीन है तो एन क्वीन, एन की वैल्यू फोर है तो फोर होंगी. बट जब इनफाइनाइट डोमेन की बात आती है, तो वहाँ आपके पास आप यू नीड टू यूज अ कंस्ट्रेंट लैंग्वेज. जैसे कि कोई जॉब स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम है, तो वहाँ यू कैन सी कि आपके पास कोई टास्क है, आपके पास जो भी टोटल टास्क है उसको आप, उसमें आप कोई वैल्यू ऐड करें डेल्टा की, या आपकी जॉब वन है. तो जॉब वन तब होगी जब जॉब टू स्टार्ट ना हो. इट मीन्स कि जब तक जॉब वन कंप्लीट ना हो जाए और उसके बाद हम थोड़ा वेट ना कर लें, तब तक हम जॉब टू को स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो वहाँ आपके पास कुछ इस तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब आप इनफाइनाइट डोमेन की बात करते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप इज कंटिन्यूस वेरिएबल्स. कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर कॉमन इन ऑपरेशन सर्च की जब हम बात करें, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, जब हमारे पास जो इन जब हमारे पास इक्वेलिटीज हो लीनियर या नॉन लीनियर की टाइप की. हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम कंसर्न होगा, वो ज्यादातर होगा डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ रादर देन कंटिन्यूस वेरिएबल्स. राइट, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट के आपके पास कंस्ट्रेंट्स की वैरायटी क्या होती है. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट की जब मैं बात करती हूँ, तो वहाँ हमारे पास जिस डिविजन की जिस तरह से है कि कुछ हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको यूनरी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है, एक सिंगल वेरिएबल है. जैसे कि साउथ अफ्रीका जो है वो ग्रीन कलर का हो. ठीक है, या फिर अगर बाइनरी कंस्ट्रेंट की बात करें, तो उसमें पेयर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो ग्रीन भी है, और साउथ अफ्रीका जो है डब्ल्यू ए, या आई डोंट नो नेम एग्जैक्टली, मे बी इट्स वॉशिंगटन, इसके बराबर में भी है. वेस्ट वेस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका वेस्ट अमेरिका के बराबर में भी है. ठीक है, साउथ ऑस्ट्रिया वेस्ट ऑस्ट्रिया के बराबर में भी हो और ग्रीन भी हो. ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स में आपके पास थ्री वेरिएबल्स इंकॉर्पोरेटेड हैं. जैसे कि आपने थ्री वेरिएबल्स की जब मैं बात करूँ, तो मतलब थ्री ना हो सिर्फ, तो थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मोर देन टू हो, जब भी आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स को ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, जिसके लिए ऑल डिफरेंट यूज होता है, जो कि स्पेसिफाई करते हैं उन तमाम वेरिएबल्स को जो डिफरेंट वैल्यूज कंटेन करते हैं. जैसे कि आपने क्रिप्ट अर्थमेटिक पजल्स को जब सॉल्व करा था, तब आपने देखा था उसमें एक तीन से ज्यादा वेरिएबल्स थे, या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आप कह लें, तो या सुडोकू है, तो उसमें जो वेराइटी ऑफ वेरिएबल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो वहाँ आप कहते हो ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं. ठीक है, देन वी हैव द फोर्थ थिंग इज प्रेफरेंसेस. अच्छा, जब प्रेफरेंसेस की जब मैं बात करती हूँ, तो इट इज नॉट लाइक के ये इसको हम कॉन्स्टेंट ना भी कहें तो बात सही होगी, क्योंकि एक सॉफ्ट कंस्टेंट होता है. इट्स लाइक के अगर इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, कि जैसे फॉर इंस्टेंस आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब का कुछ स्केड्यूल रेडी करना है आपके बॉस को. अब जब आप बॉस से बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा जो स्केड्यूल बना है वो कुछ इस तरह से बना है कि मेरे जो भी वर्किंग आवर्स हैं वो ऐसे मैनेज करें कि मेरा मंडे टू फ्राइडे ऑन रखें और सैटरडे संडे ऑफ रखें. ठीक है, तो अब क्या है कि उन्होंने ओके कर दिया, उन्होंने स्केड्यूल देखा, तो जो आपकी जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ द लोग सैटरडे को नहीं आते. वो तो ओके हो गया, लेकिन जो दूसरे डे है संडे, उसमें मेजोरिटी ऑफ द लोग आते हैं. ठीक है, तो जब मेजोरिटी ऑफ द पीपल संडे को आ रहे हैं उस टीम में, तो इट मीन्स कि आपको भी संडे को आना पड़ेगा. तो इट्स लाइक कि अगर वो कर दें, आप कर दें संडे, तो कोई मसला नहीं है. ठीक है, इट्स लाइक कि अगर हो गया तो सही है, लेकिन वो अगर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई ना भी हुआ तब भी काम चल जाएगा. ठीक है, तो
दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर नोन एज सॉफ्ट कंस्ट्रेंट, या इनको आप प्रेफरेंसेस कहते हो कि अगर हो गया तो सही है और अगर ना भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट अब हम जेनरेटिंग टेस्ट की बात करते हैं। जेनरेटिंग टेस्ट क्या है? इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ के क्या हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर सकते हैं, क्या हम ब्रूट फोर्स, पहले सवाल ये आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है। ब्रूट फोर्स अप्रोच इज के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप अपने प्रॉब्लम पे अप्लाई करें, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जिनके बाद आपके पास सोल्यूशन आना ही आना हो, इज नोन एज ब्रूट फोर्स अटैक, यो सॉरी ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होती है कि आप अपने मॉडल पे या आप अपनी प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल वेज हैं उन सब सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर लें जिसपे कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। एक तो लाजमी ऐसा होगा जिस पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या वाकई ब्रूट फोर्स जो है, ब्रूट फोर्स की अप्रोच जो है, क्या वो वाकई ऐसी है कि वो हमारे केस में हेल्पफुल होगी, क्या हम वाकई उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस टेक दिस थिंग कि इट वुड रिक्वायर टू चेक 3 to the power 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉर दिस थिंग, कि आपके पास ये एक प्रॉब्लम गिवन है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स हैं और टोटल जो कलर्स गिवन है ना वो इनको फिल करने के लिए चाहिए 3। तो इनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुझे टोटल चेक्स लगाने हैं वो चेक्स मेरे पास होंगे 3 to the power 5 कॉम्बिनेशंस, एंड 3 to the power 5 इज ऑब्वियसली अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो 3 to the power 5 कॉम्बिनेशंस को मुझे जब मैं सर्च करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी तो ऐसे बेतहाशा कॉम्बिनेशंस में बनाऊंगी जहां मैं फेल होंगी। तो इट टेक्स टू मच टाइम ऑन यूजलेस सॉल्यूशंस जिनका कोई जो जो, जो मुझे किसी भी तरह की प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिनसे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, रादर देन मेरी स्पेस जाया हो रही है, मेरा टाइम जाया हो रहा है। तो इसमें इन यूजलेस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं ब्रूट फोर्स करूँ तो, राइट। सो व्हाई स्पेंड सो मच टाइम इन इवेल्युएटिंग दिस यू नो यूजलेस सॉल्यूशंस, जैसे कि अब जनरेटिंग टेस्ट है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई एन क्वीन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो भी एन क्वीन प्रॉब्लम है, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 4 क्वीन्स हैं एक वक्त में और ये पूरा जो है वो है 4 4 16, तो टोटल 16 है और 4 क्वीन्स हैं, तो 16 × 15 × 14 × 13 कॉम्बिनेशन लगेंगे, विच इज ऑब्वियसली फॉर श्योर अ वेरी 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 लार्ज नंबर, अ वेरी लार्ज नंबर। तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे n² − 1 × n² − 2 × n² टिल देन n² − n तक आप जाएंगे। दिस इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। तो फिर हम क्या करें, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप बहुत दफा ऐसे सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे जिनको एक्सप्लोर करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या करें इसका, इसकी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम इस पर और बात करेंगे। वेयर इज द एग्जाम्पल, लेट मी शेयर यू विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, अब ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास स्टेट स्पेस सर्च एल्गोरिथम जो हम यूज करेंगे उसमें देखें आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आपने जो भी आपके वेरिएबल्स थे उसको आपने नोड्स असाइन कर दी, कंस्ट्रेंट्स को एजेस की तरह कनेक्ट कर दिया जहाँ कंस्ट्रेंट था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको डिस्कस करूँ, तो अगर मैं इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, ट्रेडिशनल मेथड से सर्च करूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से अगर मैं इसको सर्च करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज कर रही हूँ और ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करते हुए मैं सबसे पहले तो ये करूंगी कि एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं देखूंगी, चले मैं वॉशिंगटन वेस्ट ऑस्ट्रिया से शुरू कर रही हूँ, वेस्ट ऑस्ट्रिया से जब मैं शुरू करती हूँ तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसका कलर जो है वो रेड होगा, या वेस्ट ऑस्ट्रिया लूंगी और उसका कलर मैं ग्रीन कर दूंगी, और वेस्ट ऑस्ट्रिया लूंगी और या फिर उसका कलर मैं ब्लू कर दूंगी, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और उसके बाद मैं इसको एक्सपेंड करूंगी कि इसके बराबर में या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये आएगा तो उसके भी 3 कलर होंगे और ये आएगा तो उसके भी 3
थ्री कलर्स होंगे, तो या तो मैं एंटी ले लिया फॉर इंस्टेंस, तो उसके भी तीन कलर होंगे, या तो रेड होगा, या एंटी का कलर ग्रीन होगा, या एंटी का कलर ब्लू होगा। ठीक है, यहाँ पर भी थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर भी थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, फिर इसकी भी फर्दर थ्री पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो एक तरह से ये जो आपका चल रहा है ग्राफ, ये देखिए नोड जीरो, लेवल जीरो, फिर लेवल वन आया तो थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये थ्री होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये होगा नाइन, फिर नेक्स्ट होगा 27, फिर इसका नेक्स्ट होगा 81, टिल 240, 243, एंड सो ऑन, आप चलते चले जाएंगे। तो इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च इवन द बेस्ट केस आई गो टू द लास्ट लेवल, आई गो टू द लास्ट लेवल, इन द वर्स्ट केस आई वुड एक्सप्लोर हाउ मेनी नोड्स दे गो ऑफ डी रेज़ टू पावर एन नोड्स। ठीक है, तो जब हम ट्रेडिशनल सर्चेस की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा का पूरा ग्राफ नहीं बना लेंगे, पूरा का पूरा ट्री कंपोज नहीं कर लेंगे, तब तक हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम सोल्यूशन डिड्यूस करना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा उसकी जो वैल्यू है, इसकी जो एक्सप्लोर नंबर ऑफ एक्सप्लोर नोड्स हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट एफिशिएंट, तो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स यहाँ हो जाते हैं फेल। इनके बरक्स जो हमारा CSP है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो इन दो चीज़ों पे काम करता है, एक तो है सर्च, दूसरा है इन्फेरेंस। सर्च तो आपको बखूबी आपको अंदाजा है कि सर्च मतलब कि वो न्यू वेरिएबल असाइनमेंट को चूज करता है फॉर मेनी पॉसिबिलिटीज। इन्फेरेंस क्या है, इन्फेरेंस में वो ये इन्फेरेंस में वो ये अचीव करता है कि जब आप किसी भी वेरिएबल, ये देखता है कि जब किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो क्या दूसरे वेरिएबल पे उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड कि फिर अब हमें क्या करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल इन दिस सेम सेशन, राइट। सो एज अ प्रोसेसिंग स्टेप, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग के आपका जो कंस्ट्रेंट प्रोपोगेशन है, वो कभी कभी आपको प्री प्रोसेसिंग स्टेप पे ही सोल्यूशन देता है, और उसके बाद आपको पूरा का पूरा सर्च आप लीव कर देते हो, छोड़ देते हो, क्यों, क्योंकि आपका सोल्यूशन ही आपको प्री प्रोसेसिंग स्टेप पे मिल गया। देन कंस्ट्रेंट प्रोपोगेशन कैन बी इंटरवाइंड विद सर्च, ओके, हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग विद दिस, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बैक ट्रैकिंग का, जिसकी अभी ये पूरी एक तरह की तमीज थी कि बैक ट्रैकिंग सर्च एक बेसिक अनइन्फॉर्म सर्च है फॉर CSPs, और ये जो बेसिकली ये फॉलो करता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉलो करता है। इसको क्यों अनइन्फॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें ह्यूरिस्टिक्स इंक्लूड नहीं की है, इस वजह से इसको बेसिक अनइन्फॉर्म कह रहे हैं। ठीक है, और ये डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च को ये ऐसे फॉलो करता है या ऐसे वर्क करता है कि एक वक्त में हम एक ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे कम्यूटेटिवली, मतलब पहले ए को वैल्यू असाइन करेंगे, देन बी को करेंगे, या फिर पहले बी को करेंगे फिर ए को करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद वैल्यू असाइन करने के बाद हम करेंगे क्या, हम कंस्ट्रेंट्स को चेक करेंगे, और कंस्ट्रेंट्स को चेक करते जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि एज वी चेक द कंस्ट्रेंट्स एंड दे वर गोइंग अलोंग, मतलब जैसे आपने ए को असाइन किया कोई वैल्यू रेड, और बी को अगर आपने वही वैल्यू रेड असाइन की, और फिर बी का ए का नेबर भी निकला, तो अब आप बी को रेड असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ए को आपने वैल्यू रेड असाइन की हुई है। बट वॉट इफ जब बी को रेड वैल्यू ही असाइन करनी है, तो फिर आप करेंगे क्या, आप बैक ट्रैक करेंगे, और आपने लास्ट टाइम जो ए को रेड वैल्यू असाइन करी थी ना, उसको आप ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे या ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट आप आगे जाके फिर आप बी को जो है ना रेड वैल्यू असाइन कर सकें, और ए की वैल्यू तो आपने यहाँ ब्लू कर दी होगी। ठीक है, तो इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग कि अगर बी को आप रेड वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और बी के लिए कोई और वैल्यू नहीं बची है, तो बैक ट्रैक करेंगे, आई विल गो बैक एंड चेंज द वैल्यू ऑफ ए जो कि रेड असाइन हुई थी, अब उसको कोई और असाइन कर देंगे ताकि बी के लिए कोई और वैल्यू नहीं बची। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा ना अगर आप बैक ट्रैक नहीं करेंगे। तो कुछ ये इसका आइडिया है जिस तरह से ये वर्क करता है बैक ट्रैकिंग। तो इसमें सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, सबसे पहले आप एक एम्प्टी स्टेट क्रिएट करेंगे, जिसको आप इनिशियल स्टेट कहेंगे, जिसको आप एम्प्टी असाइनमेंट भी कह सकते हैं। देन आप देखेंगे कि पार्शियल असाइनमेंट्स क्या हैं, इट मींस कि उसके क्या स्टेट्स हैं। देन आपका सक्सेसर फंक्शन मींस के क्या
कि मैं अनअसाइंड वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन करूं, ठीक है। और उसके बाद गोल टेक्स्ट मीन्स के जो भी आपका करंट असाइनमेंट है वो तब कंप्लीट होगी और सेटिस्फाई कर रही होगी सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को, तब आप कहेंगे कि यस दिस इज माय गोल टेस्ट, जब मेरे सारे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो गए और जितने भी मेरे पास कंस्ट्रेंट्स थे वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, राइट। तो लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स दिस एग्जाम्पल। अब हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है जिसको आप एम्प्टी स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे आप थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इस स्टेट से मेरे पास थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, वो थ्री पॉसिबिलिटीज क्या हैं, या तो मैं ए को रेड कलर दूं या ग्रीन दूं या फिर ब्लू दूं। अब फॉर इंस्टेंस मैं इसको इसको एक्सपेंड करती हूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इस ए के बराबर में जो बी है या तो उसको रेड दूंगी या ग्रीन दूंगी या ब्लू दूंगी। इसको बी को रेड देना तो बिल्कुल गलत है, ये तो मैं नहीं एक्सप्लोर कर सकती। तो मैं पीछे जाऊंगी, मैं देखूंगी अब मैं क्या करूँ, मैं ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। तो ग्रीन पॉसिबिलिटी है तो ग्रीन को भी मैं एक्सप्लोर करूंगी, तो उसके बाद मैं सी को या तो रेड दे सकती हूँ या ग्रीन दे सकती हूँ या ब्लू दे सकती हूँ। अगर मैंने रेड दिया तो वो गलत है, तो मैं पीछे जाऊंगी और मैं कहूंगी नहीं वो गलत है, आप सी को ग्रीन देते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ग्रीन दिया तो मैंने कहा अच्छा ये भी गलत है, ये तो बी के साथ मैच करा, तो फिर से मैं पीछे जाऊंगी, फिर मैं सी को दे दूंगी ब्लू जो कि अब सही है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल है, कि एक मैप है उसमें आपने जो आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पे उसमें या तो आप रेड कलर दोगे या ग्रीन दोगे या ब्लू दोगे। रेड को अगर मैं और एक्सप्लोर करूँ तो रेड के बराबर में या तो मैं ग्रीन दे सकती हूँ या मैं ब्लू दे सकती हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं अगर इसको एक्सप्लोर करूँ इस वाले पार्ट को तो इसके बराबर में मैं रेड भी दे सकती हूँ और मैं ब्लू भी दे सकती हूँ। अब मसला ये है कि जब मुझे ये वाला पार्ट फिल करना है तो मैं यहाँ फिल क्या करूँ, अगर मैं यहाँ रेड फिल करूंगी तो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, अगर मैं यहाँ ग्रीन फिल करूंगी तो ऊपर वाले के साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, अगर मैं यहाँ ब्लू फिल करूंगी तब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इट मीन्स दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है, ये वाला सही है कि जब मैं इसको यहाँ पे रेड असाइन कर देती हूँ तो यहाँ मैं ब्लू असाइन ब्लू कलर, यहाँ मैं आप अगर ब्लू कलर कर दूँ तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। देखें इसका इसका नेबर रेड है जो कि इसके सेम नहीं है, और फिर इसका नेबर ग्रीन है वो भी सेम नहीं है, और फिर इसका नेबर है रेड वो भी सेम नहीं है। तो यस दिस इज द राइट थिंग, ठीक है। तो जब हम ये गलत काम कर देंगे तो हम बैक करेंगे और फिर हम सही की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग, राइट। लेट मी जस्ट क्लियर दिस एनोटेशंस, ओके। तो ये बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज द एल्गोरिदम फॉर बैक ट्रैकिंग सर्च। बैक ट्रैकिंग सर्च के एल्गोरिदम में सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि जो फंक्शन है ये या तो सोल्यूशन रिटर्न करेगा या फिर फेलियर रिटर्न करेगा। और सबसे पहले ये क्रिएट क्या करेगा, सबसे पहले ये आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस एम्प्टी लिस्ट में होगा क्या कि वो एम्प्टी लिस्ट में तो कुछ भी नहीं होगा, बट जो सीएसपी एल्गोरिदम है वो ये बता रहा होगा कि इसमें इस सीएसपी में ये डिस्क्राइब होगा कि मेरे हमारे वेरिएबल्स क्या हैं और हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ठीक है। देन आपके पास रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल करेगा और सोल्यूशन या फेलियर रिटर्न कराएगा, और अगर हर दफा अगर असाइनमेंट कंप्लीट है तो वो असाइनमेंट को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो एक अनअसाइंड वेरिएबल सेलेक्ट करेगा उस सीएसपी में से जिस सीएसपी में आपने सारे वेरिएबल्स बताए होंगे और कंस्ट्रेंट्स बताए होंगे, उस असाइनमेंट को देखेगा कंस्ट्रेंट के साथ। देन फिर एक लूप रन होगा, ठीक है। वो लूप क्या बताएगा, वो देखेगा कि वो लूप बेसिकली ये देखेगा कि लूप में वो देखेंगे कि एक एक ऑर्डर देखेंगे ना, एक ऑर्डर में जो भी वेरिएबल है वो हो और उससे रिलेटेड वेरिएबल की वैल्यूज को सर्च करने के लिए यूज करेंगे। अगर वैल्यू जो भी वैल्यू है, जो भी आपकी वैल्यू है उसके रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट है तो आप उसको ऐड कर देंगे असाइनमेंट में, ठीक है। दूसरे वेरिएबल्स के लिए फिर कॉल करेंगे अपने बीटीएस सर्च को, बीटीएस मीन्स बैक ट्रैकिंग सर्च को, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आप ऑर्डर डोमेन वैल्यूज में बात करें जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर वैल्यू कंसिस्टेंट है असाइनमेंट के साथ तो फिर आप उसको कंस्ट्रेंट दे दें और फिर ऐड कर दें उस वेरिएबल वैल्यू को वेरिएबल में ताकि असाइनमेंट हो सके, ठीक है। और फिर रिजल्ट आप जनरेट करा दें, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट फेलियर नहीं है तो आप रिजल्ट जनरेट करा दें, अदरवाइज जो भी आपकी वैल्यू है उसको वेरिएबल के थ्रू असाइनमेंट में से रिमूव करा दें। और इन केस ऑफ फेलियर अगर अगर आगे जाकर कोई भी फेलियर हो जाए
तो वैल्यू चेंज करनी है ना ऑब्वियसली. अब हमें वैल्यू चेंज करनी है, अब हमें बैक ट्रैक करना है. तो अगर कभी भी वेरिएबल ने सही आउटपुट ना दिया हो और फेलियर रिटर्न करा हो, तो आप फिर नई वैल्यू असाइन करवाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ बैक ट्रैकिंग, जो कि अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक बहुत ज्यादा बड़ा कोड बनेगा इस पे. राइट, सो इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कोड जो कि बैक ट्रैकिंग सर्च का होगा इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव कि हम किस तरह से बैक ट्रैकिंग सर्च को इम्प्रूव बनाएं, और ऑब्वियसली वो हेयरिस्टिक्स को ऐड करके होगा, जो कि हम जो हमारा टारगेट जो है वो अभी के लिए नहीं है. ठीक है, इस टारगेट को हम नेक्स्ट में नेक्स्ट डिस्कशन तक रखते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, आई होप इट विल क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.